हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी। यानी कि हाइट और डिस्टेंस, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हाइट की बात हो रही होगी और डिस्टेंस की बात हो रही होगी। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे चीज़ें होती हैं। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आप देखो तो आसान भी कह सकते हो उसको, हार्ड भी। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें एक दो चीज़ ही यूज़ होंगी, हेल्प से आप आसानी से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। और हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, यानी कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। चलो, ये तो बहुत सारी बातें हैं जो बाद में करेंगे हम, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का मतलब क्या है और कैसे इसको स्टार्ट हुआ ये चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपने रेशियोज़ पढ़े हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इस तरह के आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। उनमें पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, इस तरीके से हम करके पढ़ते हैं। तो उनका एप्लीकेशन का मतलब होगा उनको हम यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर हम उनको यूज़ करने वाले हैं। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि उसमें एंगल्स कैसे कैसे बनेंगे और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से अपना, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं हम लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट अभी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने, तो कुछ ऐसा है डायग्राम। स्टूडेंट, मानो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज ग्राउंड पोर्शन, ये आपकी जमीन है यानी ग्राउंड है। इसके बाद ये जो हमने हाइट बनाई है इसको मानते हैं हम यहाँ पे एक टावर मान लेते हैं, ठीक है, टावर, फाइन। अब क्या है, यहाँ पर एक बंदा है जो खड़ा हुआ है, यानी कि उसकी आईज यहाँ पर हैं इस जगह पे, ग्राउंड के इस पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। और ये देख रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर, मतलब इस पॉइंट को देख रहा है, टॉप, इसके टॉप को, ठीक है, ये इसके टॉप को यहाँ से देख रहा है। तो जो एंगल बनाया यहाँ से इस इंसान की आईज ने, पी इंसान की आईज ने यहाँ पर जो एंगल बनाया थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपको पता है जब टावर खड़ा होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से ये स्टैंड कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक, ये ग्राउंड पे है और यहाँ से ग्राउंड से एक पर्सन देख रहा है टॉप ऑफ दी टावर पे। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो बना इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। हमेशा ध्यान रखेंगे वो ग्राउंड के साथ ही बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है बेटा कि अगर लेट अस से द केस इज डिफरेंट, यानी कि केस क्या है, यहां पर सेकंड केस लेते हैं, ये यहां पर ऐसा है, ये है एक बेटा बिल्डिंग, राइट, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां मान लेते हैं पॉइंट पी पे, राइट। तो अगर ये इंसान की आंखें यहां पर हैं, ऊपर बैठा है इंसान एक, और वो क्या कर रहा है, अगर ये सीधा देखेगा तो लाइन ऑफ साइट ये होता है बेटा। यानी कि अगर हम सीधे देख रहे हैं तो हमारी आंखों के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, है ना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, लाइन ऑफ साइट, फाइन। अब ये लाइन ऑफ साइट तो इधर ही होगी उसकी, लेकिन वो देख कर रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, यहां से ऐसे इस तरीके से, फाइन। अब जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स,
यहाँ पर इस लाइन ऑफ साइट से यानी कि हॉरिजॉन्टल से ये हमने मान लिया फाई, राइट। फाई कैसे बनाते हैं, जीरो बनाया और इसको कट कर दिया फाई, इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो हम क्या देखेंगे, इसमें ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना हुआ है टू द टॉप, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर अगर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है तो यानी कि कोई ना कोई इंसान उसके किसी बिल्डिंग पे होगा, किसी टावर बैठा होगा, किसी पोल पे बैठा होगा और वो नीचे की तरफ देख रहा होगा, तो वहां पे बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मेन दो इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं जिनके बेस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको इसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपके पास हमने बताया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हम याद करते हैं कैसे, पी बी पी और एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट रेशियो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा हुआ साइन को, सेकंड वन कोस को और थर्ड वन टेन को, और जो इनके रिवर्स होंगे वो आपके रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कोसेक, सेक एंड कॉट को। आई होप स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसको लिख सकते हैं, इसको हम डेफिनेटली क्लियर कराएंगे। इसके बाद जो बचता है इसमें वो बचता है आपके क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन में आएंगी लैंग्वेजेस और वो लैंग्वेज अगर आपको समझ में आती है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इस जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बेस पे जो हमने अब तक पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर बनाना। अगर ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर आपने एग्जाम्स में फिगर को ठीक बनाया है और क्वेश्चन कहीं जाकर गलत हो जाता है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर्स में मिलेंगे, लेकिन अगर फिगर आपकी गलत है और क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो आपको एक भी नंबर्स पे नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें फिगर को ठीक से बनाना है, क्वेश्चन को पढ़िए, कॉम्प्रिहेंड करिए अच्छे से और फिर उसके बाद उसका आंसर करिए। तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इट सेज अ टावर वर्टिकली स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड। नाउ पहले सबसे पहले एक टावर बनाया हमने और ये ग्राउंड पे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 ही होगा, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट यहाँ पे है टावर का और ये मान लेते हैं 15 मीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस है। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ द टावर ये बेटा, और एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ से होगा आपका ये, ठीक है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला इसको वो मिला 60 डिग्रीज, फाइन। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसको सही करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं ये हाइट ऑफ द टावर है आपकी एच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लो ए बी सी इज अ ट्राइंगल, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू एच मीटर। जो भी आपको यहाँ पर यूनिट गिवन होगी किसी भी वैल्यू की, वही आप यूनिट हाइट जो भी निकालना है आपको उसकी ले लेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 60 डिग्री है, तो स्टूडेंट हमें चाहिए दिस इज, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाली होगी वो बेस होगी, राइट। तो परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन होता है हमारे पास, तो बिल्कुल होता है, दैट इज हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी टेन सिक्सटी, यानी कि टेन थीटा
दैट इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, दैट इज पी इज एच और बी इज 15. फाइन. सो 1060 वैल्यू इज बेटा रूट 3 होती है, दैट इज एच अपॉन 15. सो दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल्स टू 15 रूट 3 मीटर्स. ठीक है, एक तो बेटा आपका आंसर ये हो सकता है यहाँ पे. दूसरा आंसर क्या हो सकता है, अगर उसने रूट 3 की वैल्यू गिवन है वहाँ पे क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू रख के 15 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको सॉल्व भी करेंगे. सो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है और कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है किसी भी स्टूडेंट को, अगर उसको बेसिक डायग्राम बनाना आता है और साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक ये वाली चीज़ें आपको आती हैं. ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एक आता ही आता है स्टूडेंट. आपको ये एप्लीकेशन का समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कैसे अप्लाई करते हैं. इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस की और वन बाय वन करके देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, सो कीप एन आई ऑन दैट एंड विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.